हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रोइंग नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी के 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, जो कि आरएस फॉर्मे की बुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, इन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग एन आर्क इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन ए। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में आर्क प्रोड्यूस किया जाता है किन के बीच में? देखिए, बेयर मेटल इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस के बीच में। बेयर मेटल इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है ना। आप लोग देखें होंगे कि जो MIG वेल्डिंग होता है, मिग आर्क वेल्डिंग, उसमें बेयर मेटल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। इसको एक स्पूलिंग, एक स्पूल में इसको बेंड करके ऐसे ही मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। और ये नॉन कोटेड होता है। और वर्कपीस के बीच में जो आर्क प्रोड्यूस होता है वो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको यहाँ पे ऐसे मार्क कर सकते हैं। इसका कौन सा क्वेश्चन? इन बेयर मेटल इलेक्ट्रोड एंड वर्क, ये ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग ए इलेक्ट्रोड इज यूज्ड, यानी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग TIG वेल्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज यूज इन, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है किस में यूज किया जाता है? तो मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग यानी MIG वेल्डिंग में। इन टिग आर्क वेल्डिंग, ठीक है, इन टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग में द वेल्डिंग जोन इज शील्डेड बाई एन एटमोसफियर। आप देखिए, वेल्डिंग जोन इज शील्डेड किया जाता है बाय द एटमोसफियर। आप एटमोसफियर में जो हानिकारक गैसेस होते हैं उनको बचा के रखने के लिए इनर्ट गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनर्ट गैसेस में कौन कौन सी गैसेस आती हैं? वो गैस जो दूसरे गैसों के साथ क्रिया न कर सके, जैसे कि हीलियम गैस, आर्गन, ये सारी चीज़ें, ये दोनों गैसेस आती हैं इनर्ट गैस में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आइदर ए एंड आर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वेल्डिंग कॉपर एलॉय विथ TIG आर्क वेल्डिंग, इन वेल्डिंग कॉपर एलॉय विथ TIG आर्क वेल्डिंग। तो टिक आर्क वेल्डिंग में जब हम कॉपर एलॉय की वेल्डिंग कर रहे हैं टिक आर्क वेल्डिंग से, तो कौन सा इसमें से ऑप्शन सही होगा? देखिए, उसमें DC करंट इस्तेमाल किया जाता है, डायरेक्ट करंट इस्तेमाल किया जाता है विथ स्ट्रेट पोलैरिटी इज यूज्ड। स्ट्रेट पोलैरिटी क्या होता है? यानी स्ट्रेट पोलैरिटी क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो और वर्कपीस हमारा जो है पॉजिटिव होता है, तो वो होता है हमारा स्ट्रेट पोलैरिटी। तो इसमें ये वाला ऑप्शन डायरेक्ट करंट विथ स्ट्रेट पोलैरिटी इज यूज्ड सही हुआ। स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी में क्या अंतर होता है? स्ट्रेट पोलैरिटी में जो इलेक्ट्रोड होता है उसको नेगेटिव रखा जाता है, और रिवर्स पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वेल्डिंग मैग्नीशियम विथ TIG आर्क वेल्डिंग, डायरेक्ट करंट विथ मैग्नीशियम की जब हम वेल्डिंग करते हैं, इन वेल्डिंग मैग्नीशियम विथ TIG आर्क वेल्डिंग, ठीक है, आर्क वेल्डिंग से डायरेक्ट करंट विथ कौन सा पोलैरिटी इस्तेमाल होता है, यूज किया जाता है? तो रिवर्स पोलैरिटी इस्तेमाल होता है, यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। देखिए, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का जैसे नाम आएगा फटाफट टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग आप निशान लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वेल्डिंग एल्यूमिनियम विथ TIG आर्क वेल्डिंग, ठीक है, एल्यूमिनियम की जब हम वेल्डिंग करते हैं TIG आर्क वेल्डिंग से, तो अल्टरनेटिव करंट इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही, अल्टरनेटिव करंट इस्तेमाल किया जाता है। थर्मिट जो वेल्डिंग होता है, थर्मिट आर्क वेल्डिंग, थर्मिट यूज इन थर्मिट वेल्डिंग, ठीक है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, जब थर्मिट वेल्डिंग आप देखे होंगे कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक को जब हम जोड़ने का काम करते हैं तो वो थर्मिट वेल्डिंग से किया जाता है, या फिर कोई गियर है, बड़ा गियर, उसको जोड़ने का काम किया जाता है थर्मिट वेल्डिंग से। तो उसमें कौन कौन सा उसमें होता है? एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम को मिला के वेल्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडवांटेज ऑफ थर्मिट वेल्डिंग इज दैट, थर्मिट वेल्डिंग का क्या लाभ होता है, वो क्या क्या है? ऑल पार्ट्स ऑफ द वेल्ड सेक्शन आर मोल्टेड एट सेम टाइम, ठीक है, एक ही समय पे वेल्डिंग के यानी सभी पार्ट्स एक साथ मेल्ट होते हैं उस सेक्शन के। वेल्ड कूल ऑलमोस्टली यूनिफॉर्मली, यानी सभी जो है एक साथ यूनिफॉर्मली कूल होते हैं। रिजल्ट इन ए मिनिमम प्रॉब्लम विथ इंटरनल रेजिडुअल स्ट्रेसेस, ऑल ऑफ दीज, यानी ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मिट वेल्डिंग इज ऑप्टेन यूज्ड इन, थर्मिट वेल्डिंग यूज किया जाता है प्रायः कहाँ पे? रिप्लेसिंग ब्रोकन गियर टूथ, जो गियर के दाँते होते हैं वो टूट जाते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। और कहाँ पे? रिपेयरिंग ब्रोकन सीयर्स, जो आपके ब्लेड्स होते हैं वो टूट जाने पे उनको रिपेयरिंग में थर्मिट वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ज्वाइनिंग रेल्स,
ट्रक फ्रेम्स, लोकोमोटिव फ्रेम्स, तो ये सारे ऑप्शन आपके सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग कैन बी कैरिड आउट इन, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में क्या साथ में लिया जाता है, वैक्यूम यूज किया जाता है, ठीक है ना। इन आर्क वेल्डिंग इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस यूज, इन गैस वेल्डिंग प्रोड्यूज ए फ्लेम टेम्परेचर, देखिए ऑक्सी एसिटिलीन गैस जो होता है उसमें जो टेम्परेचर पूछ रहा है कि वो टेम्परेचर कितना होता है एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में, तो ऑक्सी एसिटिलीन में कितना टेम्परेचर होता है, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 3200 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग के लिए द प्रेशर डिजायर्ड एट वेल्डिंग टॉर्च फॉर ऑक्सीजन, प्रेशर कितना प्रेशर होना चाहिए एट द वेल्डिंग टॉर्च फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, कितना जो है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है गैस वेल्डिंग में, उसका प्रेशर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 70 से लेके 280 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 70 से लेके 280 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर गैस वेल्डिंग द प्रेशर डिजायर्ड एट वेल्डिंग टॉर्च ऑफ फॉर एसिटिलीन, अब वो गैस वेल्डिंग के लिए जो प्रेशर पूछ रहा है एसिटिलीन का वो कितना होना चाहिए, तो वो कितना होना चाहिए 7 से लेके ये क्या है 10.3 होना चाहिए, यहाँ पे पॉइंट मतलब दिख नहीं रहा है, 7 से लेके 10.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका उसका प्रेशर होना चाहिए एसिटिलीन का। ऑक्सीजन कितना होना चाहिए 70 से लेके 280 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एसिटिलीन का होना चाहिए 7 to 10.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिलीन गॉट गैस इज स्टोर्ड इन सिलेंडर, देखिए एसिटिलीन गैस का जो सिलेंडर होता है ना वो कौन सा कलर का होता है, सॉरी एसिटिलीन गैस इज स्टोर्ड इन सिलेंडर में किस फॉर्म में वो होता है स्टोर होता है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड या गैस, तो जो एसिटिलीन होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लो प्रेशर एसिटिलीन इज प्रोड्यूस एट वेल्डिंग साइट बाई केमिकल रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये गलत है, देखिए इसमें लो प्रेशर एसिटिलीन को प्रोड्यूस किया जाता है एट द वेल्डिंग साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन, किसके किसके केमिकल रिएक्शन के बाद में लो प्रेशर एसिटिलीन प्रोड्यूस होता है, तो वाटर और कैल्शियम कार्बाइड की वजह से, ये कार्बोनेट लिखा है ना CaCO3 है, वो CaCO2 होता है, कार्बोनेट होता है, सॉरी कार्बाइड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये लिखा है गलत है, होना क्या चाहिए वाटर और कैल्शियम कार्बाइड के केमिकल रिएक्शन से लो प्रेशर एसिटिलीन प्रोड्यूस होता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इज डन विथ, जो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होता है वो कौन से फ्लेम से होता है, तो वो होता है नेचुरल फ्लेम से, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग नॉर्मली जो है नेचुरल फ्लेम से होता है, नॉर्मली जितना भी आपका जो वेल्डिंग नॉर्मली माना जाता है जैसे कि आपका स्टील का वेल्डिंग करते हैं वो सब आप, या फिर कॉपर का वेल्डिंग करते हैं, कास्ट आयरन का वेल्डिंग करते हैं, तो वो सब नेचुरल फ्लेम से होता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बोनाइजिंग फ्लेम जिसमें एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा होती है ऑक्सीजन कम होता है, ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है एसिटिलीन कम होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल ब्रॉस और ब्रॉन्ज को काटने में यानी उसकी कटिंग करने में कहता है, कार्बोनाइजिंग फ्लेम काफ़ी हाई सरफेस मटेरियल होते हैं उनको जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं या फिर कटिंग करने का काम जो होता है उस फ्लेम से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर अकर, जो मैक्सिमम जो फ्लेम टेम्परेचर होता है, देखिए जब भी जो भी फ्लेम होता है ना उसमें आप देखेंगे दो या तीन फ्लेम रहेगा, एक इनर कोन होता है, एक आउटर कोन होता है, एक मिडिल में होता है, तो जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है वो सबसे इनर कोन में होता है, सबसे अंदर वाले कोन में, ठीक है, तो एट द इनर कोन मैक्सिमम टेम्परेचर इनर कोन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ इनर ल्यूमिनस कोन हाफ नेचुरल फ्लेम इज, इनर ल्यूमिनस कोन जो जो नेचुरल फ्लेम होता है उसका इनर ल्यूमिनस कोर उसका टेम्परेचर कितना होता है, तो उसका टेम्परेचर होता है सबसे ज़्यादा यानी 3200 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज सिमिलर टू द नेचुरल फ्लेम बट इनर कोन इज लेस ल्यूमिनस एंड शॉर्टर, बिल्कुल सही है। द टेम्परेचर इज प्रोड्यूस बाई ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम इज अबाउट, द टेम्परेचर प्रोड्यूस बाई ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम इज कितना होता है, करीब 2400 डिग्री सेल्सियस, आपको कहीं कहीं पर 2800 डिग्री सेल्सियस मिलेगा,
कहीं कहीं पे 2400 डिग्री सेल्सियस भी मिलता है। तो 2400 या 2800 दोनों रहेगा तो आप टिक लगा सकते हैं। टेम्परेचर प्रोड्यूस बाई ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम इज अबाउट 2400 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम इज और ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, इसमें से किसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है? तो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, द टेम्परेचर ऑफ ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम इज लेस देन ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, यानी ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का टेम्परेचर ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेस देने वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर से पढ़ लीजिए, आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, समझ में आसानी रहेगी। द टेम्परेचर ऑफ ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम इज लेस देन किससे, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल फ्लेम इज ऑब्टेंड बाई सप्लाइंग, नेचुरल फ्लेम इज ऑब्टेंड यानी प्राप्त किया जाता है बाई सप्लाइंग, किसके द्वारा सप्लाई किया जाता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, यानी दोनों 1:1 के मात्रा में रहेगा तो वो कौन सा फ्लेम रहेगा, नेचुरल फ्लेम। और अगर मोर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लेस वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन यानी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम रहेगा, और मोर वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन, एसिटिलीन ज़्यादा रहेगा ऑक्सीजन लेस रहेगा तो वो कार्बोराइजिंग फ्लेम कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विन मोर वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन लेस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वो होगा कार्बोराइजिंग फ्लेम। एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज ऑब्टेन व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन इज सप्लाइड, गलत है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग यानी ऑक्सीजन ज़्यादा, आप इसके नाम से ही पता चल जाएगा आपको। नेचुरल कहेगा तो समझ लीजिए नेचुरल बराबर, नेचुरल नेचर सबके साथ बराबर बराबर करता है, तो आप इसे मान सकते हैं, बोल सकते हैं, याद कर सकते हैं आसानी के लिए। इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन नेचुरल में बराबर होते हैं, ऑक्सीडाइजन में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और कार्बोराइजिंग में एसिटिलीन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल फ्लेम इज यूज्ड इन वेल्ड, नेचुरल फ्लेम का यूज किया जाता है किसकी वेल्डिंग में किया जाता है, तो देखिए नेचुरल फ्लेम ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, चाहे आप स्टील की वेल्डिंग करें, चाहे कास्ट आयरन की वेल्डिंग करें या फिर कॉपर की वेल्डिंग, सब में नेचुरल फ्लेम का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांच एंड ब्रॉन्ज इज वेल्डिंग बाई ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, मैंने बताया अभी, कार्बोराइजिंग फ्लेम इज यूज टू वेल्ड, कार्बोराइजिंग फ्लेम का यूज किया जाता है काफ़ी हार्ड सर्फेसिंग मटेरियल सच एज लाइट वगैरह, ये सब की वेल्डिंग में कार्बोराइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल किया जाता है, कार्बोराइजिंग फ्लेम जिसमें एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये 25 क्वेश्चन से थोड़े ज़्यादा हो गए, आपको उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, 1 से 2 बार आप देख लेंगे पूरी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आप ये सब क्वेश्चन को समझ समझ के पढ़ें ताकि आपको ना एकदम दिमाग में बैठ जाए, और एग्जाम हॉल में आपको ये सब क्वेश्चन के बारे में सोचना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन आए तुरंत दिमाग में ये सब चीज़ें रहेंगे तो आप सही तरीके से कम समय में इन क्वेश्चन को उसका आंसर तक जा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसके व्हाट्सएप टेक्नोलॉजी के और सारे भी वीडियो हैं, आप चाहे तो मेरे वीडियो की यानी हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इन वीडियो का लिंक डाल दूंगा, चाहे तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।